नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। टिकट के लिए पार्टी छोड़ रही विधायक, पूर्व विधायक भाजपा के 31 बड़े नेता कांग्रेस में, इनमें 25% सिंधिया समर्थक, कांग्रेस से जाने वालों में पूर्व मंत्री भी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं के दल बदलने का दौर तेज हो गया है। पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा नेता भाजपा से टूटकर कांग्रेस में गए हैं। ऐसे बड़े नेताओं की संख्या 31 है, जिनमें 25% सिंधिया समर्थक हैं। दल बदलने वालों में वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी बदलने वालों में केवल भाजपा ही है, कांग्रेस से भी कई नेता भाजपा के खेमे में गए हैं। टिकट के लिए दल बदलने वाले नेताओं ने कैसे अपनी अपनी पूर्वी पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत और गिरिराज शंकर शर्मा ने भाजपा छोड़ी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और पूर्व विधायक गिरिराज शंकर शर्मा ने भाजपा छोड़ी। रघुवंशी ने 2 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली। इसके साथ ही बदनावर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ये तीनों दिग्गज नेता माने जाते हैं। वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके साथ भाजपा में आए नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नवागत भाजपाइयों के कारण पार्टी की रीति नीति ही बदल गई है, भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। भाजपा छोड़ने वाले गिरिराज शंकर शर्मा जनसंघ से जुड़े रहे हैं। वे 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष और 2 बार विधायक रहे हैं। भाजपा संगठन में उन्होंने जिला अध्यक्ष समेत कई जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, फिर भाजपा में आ गए थे। गिरिराज शंकर शर्मा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीता शरण शर्मा के बड़े भाई हैं। सीता शरण शर्मा 5 बार से विधायक हैं। शर्मा परिवार नर्मदापुरम जिले की राजनीति में खासा दखल रखता है। माखन सिंह सोलंकी भाजपा SC/ST वालों का अपमान करती है। 31 मार्च 2023 को आदिवासी नेता और पूर्व सांसद माखन सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र बड़वानी में दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। माखन सिंह 2009 में खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से BJP के सांसद रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, भाजपा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों का अपमान करती है। कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टिकोण के तहत इस देश के अल्पसंख्यकों का सम्मान किया है। माखन सिंह ने यह भी कहा, भाजपा के स्थानीय नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरा सम्मान नहीं हो रहा था, मुझे मंचों पर दरकिनार किया जाने लगा था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।